दोस्तों, क्या आपको पता है कि जंगली कुत्ते इतने खतरनाक होते हैं कि ये बिना डरे जंगल के राजा शेर पर भी हमला कर सकते हैं? और क्या आप जंगली कुत्तों की एक खासियत के बारे में जानते हैं, जिसकी वजह से ये अपने किसी भी शिकार को पाने में कामयाब हो जाते हैं? और क्या आपने कभी जंगली कुत्तों को शिकार करते हुए देखा है? अगर नहीं तो अब देखिए। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको जंगली कुत्तों की दूसरे जानवरों के साथ कुछ ऐसी लड़ाइयाँ दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर आप चौंक जाएंगे और आपके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आएगा कि आखिर कैसे ये कुत्ते अपने से बड़े और खतरनाक जानवरों पर हमला कर देते हैं। ये जंगली कुत्ते साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं और इसलिए इन्हें अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स भी कहा जाता है। इनकी लंबाई 24 से 30 इंच तक और वजन लगभग 18 से 36 किलो तक होता है। अगर इनके फर की बात करें तो ये अलग अलग रंग के होते हैं और उम्र के साथ धीरे धीरे झड़ जाते हैं। ज्यादा उम्र के जंगली कुत्ते लगभग बिना फर वाले होते हैं और दूर से देखने में ही बहुत खतरनाक दिखाई देते हैं। इन कुत्तों की सबसे खास बात तो ये है कि ये आपस में ही काफी अच्छा तालमेल बिठा लेते हैं, जिसके कारण ये दूसरे खतरनाक और बड़े जानवरों पर एक साथ हमला कर पाते हैं। ये कुत्ते लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं और अपने शिकार को नोच नोच कर खाने के लिए जाने जाते हैं, और इसलिए इन कुत्तों से दूर रहने में ही भलाई है क्योंकि ये पालतू कुत्तों की तरह नहीं होते। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, वाइल्ड डॉग वर्सेस वाइल्ड डॉग। दोस्तों, जिस तरह घर के आसपास रहने वाले कुत्तों को अपने इलाके में दूसरे कुत्तों को देखना पसंद नहीं है, उसी तरह जंगली कुत्ते भी अपने इलाके में आने वाले दूसरे जंगली कुत्ते को भी नहीं छोड़ते। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कैसे दूसरे इलाके से आए इस कुत्ते को सभी जंगली कुत्तों ने घेर लिया है। ये सब मिलकर इस अकेले कुत्ते पर इस तरह से हमला कर रहे हैं कि ये वहां से भागने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा है। कोई इसके पिछले पैरों को नोच रहा है तो कोई आगे वाले पैरों को, वहीं कोई इसकी पूंछ पकड़कर भी खींच रहा है। जंगली कुत्तों की ये बड़ी सी भीड़ धीरे धीरे इस कुत्ते को नोचना शुरू कर देती है और देखते ही देखते इस कुत्ते के चीथड़े सभी कुत्तों के मुंह में दिखाई देते हैं। इन जंगली कुत्तों को खाते वक्त एक बार भी दिमाग में शायद ये बात नहीं आई होगी कि जिसको ये अपना खाना बना रहे हैं वो भी इन्हीं में से एक है। नंबर 9, वाइल्ड डॉग वर्सेस गजेल। दोस्तों, यहाँ गजल को दो जंगली कुत्तों ने पीछे से पकड़ लिया है। दोनों ने इतनी मजबूती के साथ गजल को पकड़ा है कि वो खुद को बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश तो करता है, लेकिन दो कदम से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाता। कुछ देर ताकत जुटाने के बाद गजल एक बार फिर जंगली कुत्तों के चंगुल से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ये बेचारा इस बार भी नाकामयाब रहता है। वहीं दूसरी तरफ दोनों कुत्ते लगातार उसे नोचने में लगे हुए हैं और अचानक गजल के शरीर से कुछ मांस के लोथड़े निकल जाते हैं, जिसके बाद गजल खुद को संभाल नहीं पाता और जमीन पर गिर जाता है। लेकिन वो अभी भी मरा नहीं है, लेकिन जंगली कुत्ते इसको लगातार नोचने में लगे हुए हैं। शिकार को देखकर दूसरे कुत्ते भी इस खाने का मजा उठाने पहुंच जाते हैं और इस तरह मजे से सब इस गजल को खाना शुरू कर देते हैं, जैसे कोई दावत चल रही हो। नंबर 8, वाइल्ड डॉग वर्सेस इम्पाला। दोस्तों, यहाँ दो जंगली कुत्तों की नजर नदी पार कर रहे इस इम्पाला पर पड़ जाती है, जो नदी पार करके दूसरी तरफ आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये इम्पाला जंगली कुत्तों को देखकर पीछे हट जाती है और पानी की तरफ वापस चली जाती है। लेकिन ये दोनों जंगली कुत्ते उसे पानी से खींचकर बाहर ले आते हैं और पानी से निकालते ही दोनों जंगली कुत्ते इम्पाला को खाना शुरू कर देते हैं। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी कुत्ते के मुंह में एक छोटा इम्पाला होता है जो इस इम्पाला के पेट से निकला होता है, यानी ये इम्पाला प्रेग्नेंट होती है, यानी जिस बच्चे को इन कुत्तों ने खा लिया है वो कुछ ही दिनों में पैदा होने वाला था। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि इस न जन्मे बच्चे को लेकर एक कुत्ता भाग जाता है और बड़े इम्पाला को दूसरे जंगली कुत्ते अपना खाना बना लेते हैं। नंबर 7, वाइल्ड डॉग वर्सेस डियर। दोस्तों, यहाँ एक जंगली कुत्तों के झुंड की नजर हिरण के एक झुंड पर पड़ जाती है और हिरण खुद को बचाने के लिए भागना शुरू कर देते हैं। इस भाग दौड़ में एक हिरण पीछे रह जाता है और अब ये कुत्ते उसको अपना शिकार बनाने के लिए उस झुंड को छोड़कर उसके पीछे पड़ जाते हैं। यह अकेला हिरण अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत लगाकर भागता है और भागते भागते पानी में पहुंच जाता है, ये सोचकर कि शायद यहाँ इसकी जान बच जाएगी। लेकिन ये खूंखार कुत्ते पानी में भी पहुंच जाते हैं और वहां से हिरण को पकड़ लेते हैं।
ये कुत्ते हिरण को पानी से खींचकर जमीन पर ले आते हैं और फिर पूरा झुंड इस स्वादिष्ट खाने का मजा उठाता है। नंबर 6, वाइल्ड डॉग वर्सेस एलिफेंट। दोस्तों यहाँ ये जंगली कुत्ते उस जानवर पर हमला करना चाहते हैं जिस पर हमला करने के बारे में ना तो जंगल का राजा सोचता है और ना ही कोई दूसरा जानवर। इन कुत्तों को लगता है कि वो हाथी का शिकार कर सकते हैं, तो इनके झुंड ने एक हाथी को घेर लिया है। लेकिन ये हाथी कहाँ इनसे डरने वाला है, और ये कुत्ते के झुंड को ऐसा जवाब देता है कि सभी डर कर एक साथ खड़े हो जाते हैं। कुत्तों को भी ये बात अच्छे से पता है कि अगर इस हाथी ने इन्हें एक लात भी मारी तो ये दोबारा नहीं उठ पाएंगे, तो ये दूसरी बार हाथी पर हमला करने के बारे में सोचते भी नहीं। और हाथी बड़े आराम से अपने मग्न में पानी पीता रहता है और थोड़ा सा पानी इन कुत्तों को डराने के लिए भी इन पर फेंक देता है। अपनी प्यास बुझाने के बाद वो हाथी बड़े आराम से वहां से निकल जाता है। नंबर 5, वाइल्ड डॉग वर्सेस वर्थहॉग। दोस्तों कई बार ये जंगली कुत्ते अपने लिए गलत शिकार चुन लेते हैं जिसके कारण इन्हें भूखा ही रहना पड़ता है। लेकिन इस बार इन कुत्तों ने एक सही शिकार चुना है जिस पर ये आसानी से हमला कर सके। यह है सुअर की प्रजाति का एक जानवर वर्थहॉग। जंगली कुत्ते इस सुअर को देखते ही उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं और ये सुअर भी अपनी जान बचाने के लिए पूरी जान लगाकर भागता है और वो जाकर अपने बिल में छुप जाता है। लेकिन जैसे ही वो वहां से बाहर निकलता है तो पूरा झुंड उसको पकड़ लेता है। इस सुअर ने बचने की कोशिश तो की लेकिन यह बेचारा इतने बड़े झुंड से कैसे बच सकता था। सभी जंगली कुत्ते मिलकर इस सुअर को नोचना शुरू कर देते हैं और कुछ ही मिनटों में इतने बड़े सुअर को ये जंगली कुत्ते खा जाते हैं। नंबर 4, वाइल्ड डॉग वर्सेस लॉयन। दोस्तों ये कुत्ते इतने निडर हैं कि ये शेर पर भी हमला करने से पीछे नहीं हटते, लेकिन कई बार इनका हमला इनके ऊपर ही भारी पड़ जाता है, जैसा कि यहाँ पर हुआ। इन जंगली कुत्तों का झुंड एक शेर का शिकार करने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन इनकी ये कोशिश इनके ही एक साथी पर भारी पड़ जाती है। ये शेर जैसे ही जोर से दहाड़ लगाता है ये कुत्ते इधर उधर भागने लगते हैं, जिनमें से एक जंगली कुत्ता शेर के हत्थे चढ़ जाता है और दूसरे जंगली कुत्ते अपने मरे हुए साथी को शेर के मुंह में दबा हुआ ही देखते रह जाते हैं। लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो इस खूंखार शेर का सामना कर सके, और ये डर होना भी चाहिए क्योंकि कुत्ता तो कुत्ता ही होता है और शेर शेर। नंबर 3, वाइल्ड डॉग वर्सेस बफेलो। दोस्तों यहाँ कुछ जंगली कुत्ते हैं जो एक जंगली भैंस के झुंड पर हमला करने की ताक में हैं और इसी झुंड में मौजूद एक बच्चे को अपना शिकार बनाने की ठान लेते हैं। इसके बाद ये भैंसों के झुंड पर हमला कर देते हैं और बड़े ही चुपके से अपने चुने हुए शिकार को यानी भैंस के बच्चे को ढूंढ कर उस पर हमला कर देते हैं। बच्चे की जान बचाने के लिए उसकी माँ भी आ जाती है तो उसे भी ये जंगली कुत्ते मिलकर रोक लेते हैं। लेकिन बच्चे की माँ फिर भी काफ़ी कोशिश करती है ताकि ये अपने बच्चे को इन खूंखार कुत्तों से बचा ले, लेकिन ये कुत्ते बच्चे को छोड़ने को तैयार ही नहीं है। जब माँ इन कुत्तों को कुछ ज़्यादा ही परेशान करने लगती है तो कुछ कुत्ते मिलकर उसको वहाँ से भगा देते हैं और फिर बड़े ही आराम से इस बच्चे को अपना खाना बना लेते हैं। नंबर 2, वाइल्ड डॉग वर्सेस चीता। दोस्तों ये एक ऐसे जंगली कुत्ते हैं जो खाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और किसी भी जानवर से भिड़ सकते हैं, जैसे यहाँ इन 3 चीतों से भिड़ गए हैं। ये कुत्ते लगातार चीतों के ऊपर भौंकते रहते हैं और चीतों पर हमला करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। चीते भी थोड़ी देर तक जंगली कुत्तों का सामना करते हैं, लेकिन उनकी संख्या को देखकर उन्हें ये समझ में आ जाता है कि यहाँ से जाना ही उनके लिए बेहतर है, क्योंकि इनका सामना करना तो मौत के मुंह में जाने जैसा है। इसलिए तीनों यहाँ से निकल जाते हैं और चीतों के जाते ही हमेशा भूखे रहने वाले ये कुत्ते उनके शिकार पर टूट पड़ते हैं, जिसके बाद इनको बिना मेहनत किए ही पेट भरकर खाना मिल जाता है। नंबर 1, वाइल्ड डॉग वर्सेस लेपर्ड वर्सेस हाइना। दोस्तों इस मजेदार वीडियो में एक तेंदुआ है जिसने इम्पाला का शिकार किया है, लेकिन यहाँ एक जंगली कुत्ता उसके शिकार को खाने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन तेंदुआ उसको वहां से भगा देता है। लेकिन जैसे ही तेंदुआ फिर से इम्पाला को पकड़ने की कोशिश करता है तो वो जंगली कुत्ता अपने दूसरे साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है और सब मिलकर तेंदुए पर हमला कर देते हैं और तेंदुआ अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है और कुत्ते इम्पाला को नोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में यहाँ लकड़बग्घे भी पहुंच जाते हैं
जो कुत्ते को पीछे हटाकर खुद इम्पाला को खाना शुरू कर देते हैं, यानी एक शिकार के तीन दावेदार, पेड़ पर बैठा हुआ तेंदुआ और जमीन पर जंगली कुत्ते। ये जंगली कुत्ते लकड़बग्घे पर भौंकते ही रह गए और ये लकड़बग्घे इम्पाला को खा गए। ये तो वही बात हो गई कि खाना हाथ तो लगा पर मुंह न लगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।